हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कंवर प्रीत सिंह और आप देख रहे हैं हर्ब्स का इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, क्या आपको अचार का सेवन बिना किसी चिंता के बेधड़क करना चाहिए या एक कंट्रोल्ड मात्रा में, एक निर्धारित मात्रा में करना चाहिए। तो आज इस बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम खराब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, अचार का हिसाब बिल्कुल शराब जैसा ही है। अगर मात्रा निर्धारित हुई, अगर मात्रा बिल्कुल कंट्रोल्ड हुई, फिर तो ये आपकी अग्नि को तीव्र करेगा, आपके लिए अमृत है। अगर मात्रा बढ़ी, अगर आप ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करेंगे, फिर ये आपकी अग्नि को मंद कर देगा, फिर ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। अचार आप आंवले का या नींबू का ही हमेशा प्रेफर करें। आम के अचार को कभी कभार खा लिया, इसका सेवन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं करें। मैं ये बात मानता हूँ कि अचार के अंदर दुनिया भर की औषधियाँ हैं। मेथी है, अजवाइन है, राई है। मेथी वात और कफ दोष को दूर करती है। मैं ये बात भी मानता हूँ कि जो आयुर्वेद के 6 रस हैं, जो हमको रोज़ाना ग्रहण करने चाहिए, वो 6 के 6 रस अचार के अंदर मौजूद हैं। लेकिन वो जो 6 के 6 रस हैं, वो अचार के अंदर एक बैलेंस्ड मात्रा में नहीं। अचार के अंदर दुनिया भर का नमक है, दुनिया भर का तेल है। ये तेल और नमक अचार के अंदर अचार की आरती उतारने के लिए नहीं डाला जाता। जो सारे अचार के अंदर बैक्टीरिया पैदा होंगे, जो अचार को ख़राब करेंगे, उनको मारने के लिए, उनको किल करने के लिए डाला जाता है। अब मुझे समझ में नहीं आता, जो लोग इस झमेले में पड़ते हैं कि ये चीज़ वेज है, ये चीज़ नॉन वेज है, वो इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि जो सारी बैक्टीरिया की वो लाशें खा रहे हैं, इस चीज़ को वो कैसे जायज़ ठहराएंगे, इस चीज़ को वो कैसे वेज ठहराएंगे। वैसे ये इस वीडियो का मुद्दा नहीं, ये तो वैसे मैंने बीच में बात कर दी, क्योंकि मैं इस झमेले में पड़ता नहीं कि क्या वेज है, क्या नॉन वेज है। इस वीडियो का मुद्दा ये है कि आप अचार का सेवन कर सकते हैं, लेकिन एक कंट्रोल्ड मात्रा में, एक निर्धारित मात्रा में। इसी वजह से जो हमारी भारत की पारंपरिक भोजन की थाली सजाई जाती है, उसमें अचार को बाईं तरफ परोसा जाता है, सब्ज़ी को दाईं तरफ परोसा जाता है, ताकि सब्ज़ी की मात्रा आपको ज़्यादा खानी होती है और अचार की मात्रा आपको कम लेनी होती है। जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनको आंवले का अचार जिसमें हल्दी डली हुई हो, उसको एक निर्धारित मात्रा में लेने के लिए कहा जाता है, ज़्यादा मात्रा में नहीं। तो इसलिए अचार का सेवन करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक निर्धारित मात्रा में, एक कंट्रोल्ड मात्रा में, कभी कभार। तो आगे आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।